Yes, ma'am. आप जैसे मिलते हैं खूबसूरत लड़कियों को. Yes, ma'am. सुनने में आया आपको वो रिजेक्ट कर देती हैं. Yes, ma'am. क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? मैम पता नहीं मैम, पसंद आती हैं, मतलब प्यार होता है, बट क्या वो ढूंढती हैं मेरे में, वो उनको मिलता नहीं है मैम. तो यू नो व्हाट एचआर, मुझे ऑडिशंस का तो पता नहीं, क्योंकि ऑडिशंस में बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक एक करके ढूंढना मुश्किल था. बट अभी हमारे टॉप 15 में इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी कन्याएं हैं. मेरा दिल धक 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 करता है. लिटिल क्रश हेयर एंड देयर, कुछ तो हुआ होगा ना? वैसे मैम हम जुहू बीच गए थे सारे मुल्क है, तो वहां पर मैंने किसी को मतलब प्रपोज किया अपने कंटेस्टेंट में से ही. अच्छा? हाँ. हमारे टॉप 15 में हमारी नाक के नीचे से इसने लड़की को प्रपोज कर दिया, पता ही नहीं चला. किसको प्रपोज किया? थोड़ा नाम लेने में थोड़ा. मैडम ने हाँ बोल दी है तो मैं नहीं पूछूंगी कौन है, बट अगर अगर रिजेक्ट हो गए तो बता दो ना कौन यार है. यहू, यार एक मिनट ना, तुम बार बार नहीं, ये बार 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 तुमसे बात कर रही है, रिजेक्शन पे वो स्माइल करती है, तुम इतने मजे क्यों ले रहे हो यार? ये मजा ही इन सब में है. बट फिलहाल इस बार किससे रिजेक्ट हुए बताओ ना. क्या कॉन्फिडेंस है तो उसका नाम मैम, उसका नाम मैम काव्या है. तो काव्या ने फिर आपने काव्या को प्रपोज किया जो बीच जाकर, तो फिर क्या जवाब आया? ए आदि सुनो ना. हाँ बोलो. मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि मैं ना रिजेक्शन अब होएगा ठीक है यार, मतलब हो जाता है, एक बार काव्या से भी तो पूछे उसने रिजेक्ट कैसे किया. हाँ है ना काव्या. हाय काव्या. अब हो ही रही है बेइज्जती तो ठीक से होए ना. पहले तो काव्या आप बताइए कि भाई साहब ने प्रपोज करते वक्त कहा क्या, किया क्या, ये बताइए, फिर आपने रिजेक्ट क्यों और कब कैसे किया ये बताइए. अच्छा सर, जब हम सब जुहू बीच गए थे तो मैं सी की तरफ जा रही थी, मुझे पानी में खेलना था, तो मैं अंदर गई और वो मेरे पीछे 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 आ रहा था, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है. तो पीछे आता गया फिर मैंने पूछा यार तुम ठीक हो, तो बोला बिल्कुल नहीं. चेहरे में तेरे लाख बातें हैं. तो मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. मैंने बोला सीरियस है? उसने बोला हाँ बहुत सीरियस है. तो उसके बाद उसने धीरे 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 करके बताया कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो वगैरह वगैरह. उसने कहा तुम दिल की बहुत साफ हो, बहुत प्यारी हो. इतने दिनों में दिल के अंदर झांक के पूरी सफाई देख ली. उसने कहा तुम सबसे अलग हो इसलिए मुझे तुम सबसे अच्छी लगती हो वगैरह 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 वगैरह. तो फिर आपने क्या कहा? सर मैंने कहा थैंक यू सर. फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.